फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी स्टाइल्स विद तोशी। आज जो मैं आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ वो है न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शियर ड्राई टच सनब्लॉक एसपीएफ 50+। ये इसकी न्यूट्रोजेना की ये वाली सनस्क्रीन का छोटा पैक है, ये 30ml का पैक है। यू कैन सी, यस। एंड ये मतलब आपका समर्स में बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगती है और इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा थिक है। मुझे इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा पसंद है और ये मेरी फेवरेट सनस्क्रीन्स में से एक है। ठीक है गाइज, मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन्स का रिव्यू किया हुआ है और मैंने उसके वीडियो डाले हुए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड वो सारी भी अच्छी हैं बट ये भी मेरी फेवरेट सनस्क्रीन्स में से एक है। एंड इसमें क्या है कि ये काफी लाइट फील, मतलब काफी आप लगा लेंगे तो आपको काफी हैवी फील नहीं होगा, काफी लाइट फील होगा और ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है। लाइक आप मतलब मैं इसे कभी भी रोज नहीं लगाती हूँ, मैं इसे कभी कभी लगाती हूँ। कब लगाती हूँ? जब बहुत ज्यादा मैं बाहर जब दिन में जाती हूँ तब मैं इसे यूज करती हूँ क्योंकि ये प्रोटेक्शन बहुत अच्छा। ओके सो गाइज, ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है एंड इसमें लिखा हुआ है अल्ट्रा लाइट क्लीन फील। मतलब ये काफी इसका फॉर्मूला मुझे भी काफी पसंद है। इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है, लाइट फील हो है एंड इसको मतलब स्टिकी नहीं है और मैट हो जाता है बिल्कुल। बस आप इसे थोड़ा सा टाइम देंगे 5 मिनट्स का, देन ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में एंड लीव स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ इसकी बहुत अच्छी जो इसकी क्वालिटी है वो है कि ये वाटरप्रूफ है। एंड जैसे स्वेटिंग हो जाती है हमें समर्स में तो वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाना काफी ठीक रहता है। एंड इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें लिखा हुआ है वाटरप्रूफ, स्वेट प्रूफ, रेसिस्ट रब ऑफ, ओके एंड नॉन कॉमेडोजेनिक है एंड ऑयल फ्री एंड पैराबिन फ्री है। गाइज, इसमें कोई भी पैराबिन्स नहीं है और इसका जो MRP है वो 199 रुपीज है, बट आपको ये इजिली आई थिंक 150-160 अराउंड तक आपको ये इजिली मतलब Amazon पे या Flipkart पे, जिससे भी आप खरीदना चाहें आपको वहां से इजिली मिल जाएगी। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है आई थिंक 2 ईयर्स ही होगी। एंड या क्योंकि मुझे गाइज इस समय बिल्कुल भी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें कहाँ पे लिखी है शेल्फ लाइफ एंड यस, मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इसमें जो लिखा हुआ है, ओके इसमें जो डायरेक्शन लिखा है, अप्लाई लिबरली ऑन फेस एंड बॉडी 15-30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर एंड फॉर एडेड प्रोटेक्शन रीअप्लाई आफ्टर स्विमिंग, टॉल ड्राइंग एंड एक्सटेंडेड सन एक्सपोजर। मतलब आपको वैसे तो हर सनस्क्रीन अगर आप घर में भी हो तो आपको 3-4 आवर के बाद रीअप्लाई करनी जरूरी होती है एंड अगर आप बाहर गए हो तो आपको हर 2 आवर्स में आपको रीअप्लाई जरूर करना चाहिए। लाइक इतना छोटा पैक है कि आपके हैंड बैग में या आपके पर्स में इजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं समर्स में। आप इसको मतलब इसकी मुझे पैकेजिंग बहुत ज्यादा पसंद है और इसको मैं कैरी भी करती हूँ बैग में। एंड इसमें जो लिखा हुआ है वार्निंग क्या है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, वो तो सबको ही पता है। एंड नॉट टू बी स्वालोड, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद आईज, यस आईज आईज की बात आई तो मुझे याद आ गया कि ये थोड़ा सा आईज में मुझे इरिटेट करती है, इरिटेशन होता है मेरी आईज में, इसलिए मैं इसे वैसे भी आई एरिया को छोड़ के ही हर प्रोडक्ट लगाना चाहिए। सो अगर गलती से भी अगर मेरे आईज के अराउंड अगर ये जरा सा भी लग जाता तो मुझे थोड़ा सा होता है, मतलब थोड़ी सी इरिटेशन होती है। लाइक तो आप लोग भी इसको आईज के आसपास बिल्कुल ना लगाएं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाए जाते, सिर्फ हमें आई प्रोडक्ट ही आईज के पास लगाने चाहिए। एंड ये जॉनसन एंड जॉनसन कोरिया लिमिटेड इसमें लिखा हुआ है एंड इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक मैंने बाकी सब कुछ आपको बता ही दिया है। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है, इसका टेक्सचर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यू कैन सी। ठीक है, व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं देती है। ठीक है, अब इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना मतलब थोड़ा इतना फॉर्मूला इसका इतना अच्छा है, इतना थिक फॉर्मूला है कि ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है और बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती है आपके फेस पे या आप जहां भी लगाना चाहें, हैंड्स या ये देखिए बहुत अच्छे से स्प्रेड होगी। अब मैं इसको जब थोड़ा सा टाइम दूंगी तो ये बिल्कुल मैट हो जाएगी एंड बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना गाइज, वाओ, इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। लाइक सनस्क्रीन में ना किसी भी सनस्क्रीन की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी नहीं होती, बट इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड
आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट, आपने देखा कितने अच्छे से इजिली स्प्रेड हो गई है मेरे हाथ में। एंड या ये मेरा जो सनस्क्रीन का रिव्यू था न्यूट्रोजेना का। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देन यस, बाय बाय।